हाँ जी बेटा, लेट अस डू नाउ। बेटा मेरे पास जो है कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम्पलर बुक, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। फॉर दैट बेटा मेरे पास जो है आई एम डूइंग नाउ द क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट। मैं कोई नंबरिंग नहीं बताऊंगी बिकॉज देर आर सम क्वेश्चन दैट आर नॉट इन योर सिलेबस, ओके, एरिया रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द पॉइंट्स मेरे पास जो है -4.0, 4.0 एंड 0.3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। फर्स्ट है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, सेकंड मेरे पास ऑप्शन है आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड ऑप्शन है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड फोर्थ ऑप्शन है स्केलीन ट्रायंगल। तो बेटा इसके लिए कैसे, बिना कैसे कैलकुलेट किए निकाल लिया? बेटा ट्रायंगल टेढ़ी भी तो हो सकते हैं, टेढ़ी भी तो हो सकती है, यही गलती करते हो ना आप। आपने दो कोऑर्डिनेट्स देखे कि वो सेम है, ट्रायंगल टेढ़ी भी हो सकती है यहाँ। हाँ यहाँ पर कोऑर्डिनेट 4 4 4 जरूरी होता, तो ये नहीं कह सकते आप कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। डोंट डू लाइक दिस। इसको क्या करोगे, इवेल्युएट ही करोगे आप। इवेल्युएट करके ए बी सी मेरे पास जो है, अगर आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो, देखिए -4.0, -4 यहाँ कहीं होगा और इधर 4.0 है, तो मैं बता दूं ये साइड की लेंथ तो 16 होगी अगर मैं ड्रॉ करके देखूं तो। हुई कि नहीं हुई 16, है ना? टोटल -4 इधर है, 4 इधर है। अच्छा 0.3, अगर ये 3 इधर है, ये लो। अब यहां तुम जो है और इजी तरीके से निकाल सकते थे, ये डिस्टेंस 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, है ना? तो जो भी साइड इधर आएगी, फिर इधर देखिए, इधर भी डिस्टेंस 4 है, ये 3 है, ये भी 3 और 4 से ही आना, है ना? सेम सेम, बट ये बेस सेम नहीं है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर बिना कैलकुलेट करना है, फिगर ड्रॉ करके किया, तो ये दिमाग में, मैंने निकाला कुछ नहीं, मैंने ड्रॉ करके देख लिया, है ना, कि मेरे पास हो गए, अगर मैं ये साइड निकालनी है 3 और 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट आएगा, ये साइड निकालनी, इधर भी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट आएगा, मतलब ये, हाँ ट्रिपलेट में 5 आता ही आता है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, बट ये कितनी है 16, है ना? 4 नहीं ना लेके देख सकते, तो ये टोटल 16 है और वो 5 5 है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो बिना डिस्टेंस फॉर्मूले के ड्रॉ। पर कई बार ड्रॉ करके ट्रायंगल ही टेढ़ी होती है ऐसी, तब नहीं ये लॉजिक लगा सकते थे ना? समझते हो मेरी बात कि नहीं? अगर दिख रहा है, मैंने भी क्यों ड्रॉ किया, मैंने भी डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि जब कोई पॉइंट्स दो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है ना, तो आप फिगर ड्रॉ करके देख लो, तब आपको पता चल रहा है, ठीक है? तब आपको पता चल जाएगा, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। क्लियर, समझ आ गई बेटा बात? ठीक है जी, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मैं बार बार कह रही हूँ, आपने अपने ट्रिक्स खुद फाइंड आउट करने हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं होता है, शॉर्टकट्स हैं, आप अपने आप। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम खुद ट्रिक्स बता रहे हैं ना आपको कि हाँ भाई, कोई अगर पॉइंट्स दो पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे दिया ना, तो फिगर का डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ मत लगाओ, सिंपल ड्रॉ करो और चेक कर लो। बात समझ आई? ठीक है चलो बेटा आगे। अच्छा यही क्वेश्चन, अगर यहाँ 4 था, ये 0.40 ना होता, 5.0 होता सपोज, तब ये ट्रायंगल कैसी होती? स्केलिन होती। ये तो पता लग गया 16 है, पर इधर यूज होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, पर इधर क्या यूज होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये भी साइड डिफरेंट होगी ना, तो अपने आप स्केलिन बन गया। निकाला नहीं मैंने, कोई जरूरत नहीं है, जो बच्चा डिस्टेंस में लगाएगा उसको टाइम लगेगा बेटा, ठीक है जी। चलिए कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास सुने। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, हाँ जी, 7, -6, 3, मेरे पास हो गए 4, और उसने कहा है 1:2, मेरे पास 2। उसने कहा कि पॉइंट बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे,
ऑप्शंस है, पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अगर सेक्शन फॉर्मूले का मेथड आपको आता है ना, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कैलकुलेट करके भी देखूं तो मुझे पता है ये 3, ये 14, y मेरे पास 3, ये पहला x एक्सिस पॉजिटिव है, कोई जरूरत नहीं निकालने की। अगर मैं दूसरा देखूं 4 - 12, ये नेगेटिव, क्या जरूरत है पूरा फॉर्मूला लिखने की, नीचे तो पॉजिटिव ही आना है ना। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में आएगा ना। पूरा क्यों निकालना, वहां कोई स्पीड से काम करना है, मैं बार बार बोलू, समझ आ गया। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, यस फोर्थ में आएगा बिल्कुल जी, ठीक है जी, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ में आएगा, बिल्कुल सही है। जिसमें भी आए, मैं आपको एक मेथड बता रही हूं कि पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, ऑप्शन जरूर देखो, व्हाट आर द ऑप्शंस, क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, ठीक है जी। नाउ बेटा कम टू नेक्स्ट, मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिटन हियर, द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मेरे पास हो गए ये, द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट हो गए, उसने कहा है कि वो पॉइंट बताइए मेरे पास, 0 0, देन 0 2, देन 2 0, देन -2 0, इनमें क्लियर कट है। अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करता है तो मिड पॉइंट ही हो गया ना, तो मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय 2, जब प्लस किया ही 0 आ रहा है तो पता है कि उधर भी 0 उधर भी 0, 0, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास तो है, द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वर्टेक्स मेरे पास तो है ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हुज 3 वर्टेक्स आर गिवन टू यू। बेटा कभी भी पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स निकालना है ना, नेवर यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं हमेशा कहती हूँ डायगोनल का बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट दोनों में क्या होगा, सेम होगा। आप डी अगर एक्स वाई ले लिया तो मेरे पास -2 + 8 / 2 + 3 = 6 / 2 = 3, इधर से इट शुड बी इक्वल टू मेरे पास जो है 6 + x / 2 = 7 + y / 2। अब मैं आपको एक स्मार्टनेस बताऊं, मुझे पता इक्वेट करना है ना, मुझे नीचे 2 कहीं पे भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने हैं ना मैंने, सिंपल करो। अगर आप इक्वेट कर रहे हो कि दोनों को प्लस, इक्वेट करो सिंपल, इधर 6 आया इधर भी 6 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। सिर्फ मैं कैलकुलेशंस करने के लिए बता रही हूँ, वैसे फॉर्मूले में 2 आता है, क्योंकि आप देखो ना 4 टर्म्स के नीचे 2 2 2 2 बार बार लिखोगे, इक्वेट करोगे, टाइम वेस्टेज होगा ना, ठीक है ना। तो बेटर क्या है, जस्ट सीधा ही, क्योंकि 2 और 2 कटता ही है ना मिड पॉइंट में, y2 अप्लाई, ओके जी। कैलकुलेशन स्पेस अपनी कमांड रखिए, मैं बार बार ये बात समझा, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास तो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द पॉइंट P दैट इज 2, 1, मेरे पास तो है, अगर पॉइंट P है 2, 1 दैट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी 4, 2 एंड बी दिया हुआ है 8, 4, देन फर्स्ट ए पी 1/3 ए बी, बी ए पी इज इक्वल टू बी पी सी, बी पी 1/3 ए बी, डी ए पी इज 1/2 ए बी। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो मुझे क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है बेटा, आई नीड टू कैलकुलेट
रेशियो, तो अब रेशियो निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे ना, तो मेरे पास जो है मैं क्या करूंगी, यहां पर देखिए मेरे पास उसने स्टार्टिंग में जो पॉइंट पी दिया है वो लाइन सेगमेंट एपी पे दिया है, तो यानी ए बी और ये पी, मेरे पास के रेशियो मान लिया मैंने, ओके तो ये टू कॉमा, आप लोगों के लिए ये कोऑर्डिनेट लिखती हूं मैं दोबारा दोबारा, हम तो स्पीड से कर ही लेंगे बेटा, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है टू किसके इक्वल है, ये वाला टू के इंटू एट प्लस मेरे पास जो है वन इंटू फोर फोर बाय के प्लस वन। अब बेटा टू के प्लस टू एट के प्लस फोर, तो मेरे पास जो है यहाँ पर कितना हुआ माइनस सिक्स के टू, दैट मीन्स ये आ गया माइनस वन बाय थ्री। व्हाट डज इट मीन्स, के नेगेटिव आना मतलब वो उसको इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। आगे ये चीज हम नहीं बताते थे बच्चों को, एक्सटर्नली मतलब बाहर लाई कर रहा है, ओके क्योंकि एक्सटर्नली के बीच में जो फॉर्मूला आप लेते थे ना कि अगर एम रेशियो एन है, ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, तो जब आप एक्सटर्नली की बात करते हो तो बेटा दैट ऑलवेज एक्सटर्नली मतलब ये बाहर ऐसे, ये ए ये बी और ये पी, तो एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब मेरे पास जो है यहां पर कैसे लाई कर रहा है ये अकॉर्डिंग टू मी बाहर, और इसका फॉर्मूला पता क्या बन जाता था कोऑर्डिनेट निकालने का, अगर ये रेशियो दी हुई है एम रेशियो एन, तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला वही रहता है कि एम इंटू जो मेरे पास है एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन ओवर एम माइनस एन, बस ये रेशियो बन जाता है। हाँ जी कैसे कैसे, बिल्कुल तभी ये बीच में माइनस आता है। मैंने तो ये आपको समझाया कि अगर एक्सटर्नली दिया है तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पी के वो ऐसे बीच में नेगेटिव हो जाता है, ऐसे जो है एम वाई टू माइनस एन वाई वन ओवर मेरे पास एम माइनस एन, ओके ये बताया है कि फॉर्मूला ये बन जाता है, ओके अब देखो के नेगेटिव आ गया मेरे पास, बट मैंने तो रेशियो निकालनी है ना, प्रॉब्लम है रेशियो मुझे उतना पता चल गया कि वन रेशियो थ्री है, आप नेगेटिव इसके साथ लगा लो या उसके साथ लगा लो हमें कोई नहीं, इसका मतलब ये पॉइंट मेरे पास इधर नहीं है, सिर्फ रेशियो इतना ही बताती है कि ये पॉइंट इधर है। अब आप देखो अगर मैं कह रही हूं कि इसकी रेशियो जो है के, मैंने रेशियो वन लिया और नेगेटिव में आ रहा है, दैट मीन्स एपी रेशियो पी बी अगर मैं लू, क्योंकि एपी लेना पी से के साथ ही होता है ना, एपी रेशियो पी बी, यानी अगर मैं ये कह रही हूं कि ये वन रेशियो थ्री है क्योंकि एक्सटर्नली है, तो आप मुझे बताओ ये इंटरनली कैसे डिवाइड करे, कितना करेगा, अगर ये एक्सटर्नली कर रहा है वन रेशियो थ्री में, क्योंकि नेगेटिव साइन ओनली टेल मी कि ये एक्सटर्नली कर रहा है, इसका मतलब एपी ओवर जो बीपी है ना उसकी रेशियो तो वन रेशियो थ्री है ना बेटा, नेगेटिव ओनली रिप्रेजेंट, नेगेटिव ओनली रिप्रेजेंट कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, रेशियो तो पॉजिटिव ही होती है ना, उसका कोई नेगेटिव के साथ लेना देना नहीं। मैं ये पूछ रही हूं कि अब इनमें से ऑप्शन कौन सी होगी, आप फर्स्ट वाली होगी, उसमें तो देखो ए पी है एक सेकेंड और साथ में ए बी है, हम जो रेशियो ले रहे हैं वो आप जो रेशियो लेते हो ना बेटा, लेट मी टेल यू ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास, जो रेशियो लेते हैं ना ए और बी की वो हमेशा पी के साथ लेते हैं, अगर ये के निकली है वन रेशियो थ्री आपके अकॉर्डिंगली, तो यहां पर तो देखो ए पी, अगर आप कह रहे हो ये ए पी ठीक है, यहाँ ए बी के साथ रेशियो लिए उसने, अगर वो इतनी लेता तो वो थ्री में से वन माइनस करता तो ये टू होती,
है ना, अगर ए बी के साथ लेनी थी, कम होनी है ना, तो फिर नेक्स्ट बराबर वाली तो है ही नहीं, ठीक है। अब सी देखें मेरे पास, उसने कहा ये वाली रेशियो, उसने पहले ये ले ली, देखो पी बी, और उधर से फिर उसने क्या ली, ए बी, ये वाली यही ली है ना। तो अगर मेरी के रेशियो निकली है, मैं नेगेटिव की बात कर रही थी, तो मेरे पास ऑप्शन जो गए, आप कह रहे हो मेरे अकॉर्डिंगली तो थ्री ए बी और ये बी पी, ये दूर अगर रेशियो देखूं तो होनी चाहिए ना। अच्छा अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को देखूं, चेक करो, आपको समझाने लगी हूँ कैसे चेक करना। ए पी ये मेरे पास हो गए ओवर ए बी ये वाले, तो दैट मीन्स मेरे पास ए पी वन टाइम है और ए बी जो है वो टू टाइम्स है। ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि वो डिस्टेंस ज्यादा है वो कम है, तो दैट मीन्स हमारी ऑप्शन कौन सी थी, सी ऑप्शन। बात समझ आई बेटा सब। अच्छा कई बार मैं आपको कह रही हूँ माइनस करके भी दे सकते थे, मतलब माइनस कैसे, मान लो एक पॉइंट है, मैं आपको नेगेटिव वो बात समझाती हूँ। एक बुक में भी क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो, ऐसे था ए बी और पी पॉइंट अंदर था, वहां अंदर ही था, उन्होंने जो मुझे रेशियो दी थी ना वो दी थी ए पी ओवर बी पी जो है 5:7, जितना का मुझे याद है रेशियो, कुछ भी हो, यानी इधर से दी ए पी फिर दी ए बी, ये रेशियो दी 5, ये रेशियो दी 7। बेटा रेशियो जो हमने लेनी होती है ना वो हमेशा ए का पी से बी का पी से, रेशियो हमेशा जिस पॉइंट से लेते हैं वहां से लेनी होती है। तो दैट मींस मेरे पास अगर ये 5 है, ये पूरी 7 है, अब तो सीधा बताएंगे ना ये कितनी बच गई, 2, माइनस कर देते हैं ना। ऐसे ही अगर एक चीज तुम्हारे पास पॉइंट है ए, ये बी, ये पी, अब खुद सोचो, अगर मैं कह रही हूं ए पी से ये 1 है, ठीक है, फिर बी पी से ये 3 है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। इसका मतलब बेसिकली पॉइंट पी इधर था, ए इधर था, सी पार्ट लेने के लिए, तब वो सही होगी। ए पी की रेशियो मेरे बी पी की ये 3 टाइम्स हो सकता है, ये 1 टाइम हो सकता है ना, ये तो नहीं ना ज्यादा हो सकता, मेरी बात समझ आई। तो अब वो 3 में से 1 पार्ट गया, मतलब इसकी रेशियो 2:1 होगी, बट हमें तो पी से ही लेना होता है ना, मैं जस्ट वैसे आपको समझा रही, पी से ही लेना है, यानी बी पी की और ए पी की। कई बार रेशियो ऑप्शन वाली पी के साथ ना दी हो तो आपको माइनस करके वो निकालना आना चाहिए। बात समझ आई, रेशियो नेगेटिव तभी होती है जब एक्सटर्नली डिवाइड करते, अदरवाइज नहीं। ओके, नेगेटिव ओनली टेल, जब आपके पास रेशियो नेगेटिव है, इट ओनली टेल्स कि ये इसको किस में डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बस और कुछ नहीं। और रेशियो में नेगेटिव हम लेते नहीं है, वो ऑलरेडी फॉर्मूले में लिया हुआ है मैंने, मैंने अभी आपको नेगेटिव वाला फॉर्मूला बताया ना, अगर जिसमें एम वन माइनस एम टू लेते थे, अगर आप नेगेटिव वाला फॉर्मूला नहीं लेते, 2 मेथड से कर सकते हो, अगर आप नेगेटिव वाला फॉर्मूला नहीं लेते तो रेशियो को नेगेटिव कर दो, आप अपने एक लेट मी फिनिश फर्स्ट, आप अपने आप रेशियो को 1:-3 आपने लिया सपोज रेशियो, तो वो आप पॉजिटिव वाला फॉर्मूला ले रहे हो तो अपने आप एक वैल्यू नेगेटिव आ गई एन की, तो एम माइनस 3 करोगे ना, बात तो वही है ना, आप फॉर्मूले में नेगेटिव कर दो तो रेशियो विल बिकम पॉजिटिव। अगर आप फॉर्मूला ही एक्सटर्नल का लगा रहे हो ना एक्सटर्नल का, तो आप रेशियो नेगेटिव कर फिर रेशियो नेगेटिव नहीं करोगे, फॉर्मूला एक्सटर्नल का लगा, अगर फॉर्मूला इंटरनल का लगा रहे हो तो रेशियो नेगेटिव कर दो, डिफरेंस कुछ भी नहीं। बात समझ आई सबको, हाँ मैं आपको बताती हूँ कैसे ऑप्शन सही निकाला। मैं आपको ये बता रही थी बेटा, देखो जब आपने वो निकाली साइड निकाली, लेट मी टेल यू, हमने
आदत पड़ी हुई है ना ए इधर लेने की बी इधर लेने की, मैंने रेशियो निकाली पी की, मुझे पता है वो नेगेटिव आई, इसका मतलब पी अंदर नहीं लाई कर रहा एक्सटर्नल, चलो मैंने पी यहां ले ली, आई हैव टेकन दिस, पर रेशियो मेरी कैसे आ रही थी, मैंने ए पी ओवर बी पी रेशियो निकाली वो 1/3 आ रही थी, एम आई राइट? अब आप मुझे बताओ, नेगेटिव को छोड़ दिया कि एक्सटर्नली के लिए, अब मुझे बताओ ए पी और पी बी आपके क्लियर कट, अगर मैं ए यहां लेती हूं क्योंकि मुझे फिक्स नहीं ना कि ये बुक वालों ने ए पहले ही लेना है बी बाद में, एक्सटर्नली पॉइंट पी इधर भी तो आ सकता था कि नहीं, है ना? क्लियर कट जब मैंने एपी निकाला वो 1 time आ रहा है, बीपी 3 time आ रहा है, इसका मतलब जो पी पॉइंट है वो किसके पास, उस साइड पे होना है, या आप इसको बी ले लो, आप इसको पी ए ले लो, अब अपने आप ए भी छोटा बीपी बड़ा हो गया, तो अब 1:3 हो सकता है ना, वैसे नहीं हो सकता था, बात समझ आई? तो अब मैंने अगर ये रेशियो निकालनी बाय चांस, है ना, तो अपने आप टोटल 3 ये 2 तो ये 1 तो ये 2 होगी, अब बात समझ आई? सिर्फ ये मैंने आपको बताया, माइट भी ये ऑप्शन ना होती, थर्ड वाली ऑप्शन ना होती, आपको वो ऐसे दे देता, मेरे पास जो है 2/1, तो मुझे ये टिक करनी पड़नी थी ना, ये भी तो करेक्ट ही है ना, जरूरी नहीं है कि वो पी से दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सबको बात समझ आई? एक्सटर्नली की हमेशा नेगेटिव, अगर वो पॉजिटिव में दिया तो वो वर्ड लिखेगा एक्सटर्नली डिवाइड्स। हाँ बेटा, आपको अल्टीमेटली बता तो दिया, आपकी रेशियो निकली नेगेटिव तो आपने कहना है कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर दे, या उसने पहले ही लिख दिया देयर इज अ पॉइंट पी विच डिवाइड्स ए बी इन एक्सटर्नली, तो तुम अपने आप रेशियो या तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगाओ या रेशियो को 1:k की बजाय 1:-k ले लो, ओके? बात समझ आ गई सबको? चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट, बेटा मेरे पास हो गए 13 फ्रॉम द एग्जाम्पलर बुक या जो भी क्वेश्चन नंबर गए, लेट अस डू। हाँ जी बेटा, अब मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है 8/3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट क्यू एंड आर, मेरे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए, सॉरी ए की वैल्यू निकालो अगर दोनों का मिड पॉइंट है, अरे इस सेकंड वाले को क्यों देखना जब ए है ही फर्स्ट वाले में, तो सिंपल दोनों को ऐड करो कितना आया -8/2, ठीक है ना, तो ए मेरे पास हो गए और माइनस ये -4, तो आंसर कितना आया -, ओके बेटा क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, बेटा मेरे पास हो गए द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, अब ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, सब में कॉन्सेप्ट सेम ही है, मिड पॉइंट का लग रहा है या उसका लग रहा है, तो उसने कहा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points a 1,5 and b mere paas to hai that is 4,6 cuts y-axis, ab y-axis bhi dekhna na, y-axis bhi x kya hona hai na, to hume sirf kaun sa जो है वैल्यू चाहिए y की, है ना, तो सिंपल y का लगाओ ना, क्या होगा मेरे पास यहाँ पर अगर मैं देखूं तो, मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ अगर आपको टेंशन हो रही है कि ये कैसा क्वेश्चन है, मेरे पास
ये देखिए ए कोई पॉइंट है, वो क्या है 1.5, 1 इधर से लिया 5 इधर से लिया, ये पॉइंट आ गया। अगला 1, 2, 3, 4, 4.6 ये ले, ठीक है। अब उसने क्या कहा मुझे, अब यहां पर हम गलती कर जाते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, ये कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को कट करेगा, इसके कोऑर्डिनेट निकालने इस पॉइंट को, ये है मेरे पास 0.1.5 और ये 4.6 yes. क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है ना, उसने वर्ड दिया हुआ है मुझे कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1.5 एंड 4.6 कट्स द वाई एक्सिस है। हाँ जी, एक एक सेकेंड, अगर आप कह रहे हो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या, ये ये वन कॉमा इससे, बेटा ये थोड़ा कट करेगा वाई एक्सिस पे, डिस्टेंस कैसे, वो 1.5 में तो ये डिस्टेंस आएगा, तो नो दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड बेटा, मिड पॉइंट से ये आएगा ना पॉइंट, वहां से कैसे आ जाएगा, ये जो मिड पॉइंट है वो अगर मैं हाइट निकालूं बेटा तो वो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बता रहा है मुझे, तो ओरिजिन से आई नीड दिस डिस्टेंस, मैंने ड्रॉ कर तो दिया कंस्ट्रक्शन से, इतना टाइम नहीं होता वहां पर, बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट हमने किया नहीं है ना बेसिकली, अगर हम बना के देख लो, अगर आपको ड्रॉ करके लगता है कि हम वो कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर जो है वेट।